Non-stop 100. पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान जेएनयू अध्यक्ष और देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार से हाथापाई। पेशी के बाद कन्हैया को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया, 2 मार्च तक जेल में रहेगा। भीड़ ने पुलिस गाड़ियों पर भी किया पथराव, पेशी के मद्देनजर 400 जवान तैनात किए गए। पिछले गेट से कोर्ट परिसर में कन्हैया को ले जा रही थी पुलिस, इस दौरान वकीलों ने की बदसलूकी। इससे पहले आज वकीलों ने एक पत्रकार को भी पीटा। जेएनयू अध्यक्ष के समर्थन में सोनीपत से पहुंचे एक शख्स की भी पिटाई, सिर पर लगी चोट। कुछ लोगों और वकीलों ने कपिल सिब्बल के खिलाफ भी की नारेबाजी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल। हंगामे के दौरान तमाशबीन बनी रही दिल्ली पुलिस, बाद में सुरक्षा बढ़ाने का किया दावा। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकीलों को हालात का जायजा लेने भेजा, रिपोर्ट में बेहद खराब हालात का जिक्र। कोर्ट ने पूछा पुलिस कमिश्नर लेंगे कन्हैया की सुरक्षा की जिम्मेदारी। इलाहाबाद की जिला अदालत ने राहुल गांधी पर देशद्रोह का केस दर्ज की मांग से जुड़ी याचिका को दी मंजूरी, जेएनयू विवाद से जुड़ा मुद्दा। इलाहाबाद जिला कोर्ट ने किया सवाल, राहुल गांधी पर क्यों न दर्ज किया जाए केस, याचिकाकर्ता और गवाहों के बयान के बाद जरूरत पड़ने पर राहुल को किया जा सकता है तलब। जेएनयू केस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिया दिशा निर्देश, सिर्फ पक्षकारों को कोर्ट रूम में जाने की होगी इजाजत। जेएनयू केस में कोर्ट रूम में सिर्फ 5 पत्रकार की मौजूदगी को मिली मंजूरी, कोर्ट में परिसर में सिर्फ 25 पत्रकारों के रहने की छूट। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने जज के सामने लगाए वंदे मातरम के नारे, जज ने कोर्ट रूम से निकाला बाहर, बाद में वकील ने मांगी माफी। वंदे मातरम का नारा लगाने वाले वकील ने कहा, अपने कृत्य के लिए नहीं हूं शर्मिंदा, आतंकी की तरफदारी होगी तो खून खोलेगा। शर्मिंदा नहीं हूं, नहीं कोर्ट में जो किया टेररिस्ट का नाम इस कोर्ट में लेके टेररिस्ट का नाम लेके हम लोग उनका बहान करेंगे तो नौजवान का खून नहीं खोलेगा। पुलिस कमिश्नर बस्सी ने कहा, जेएनयू विवाद में कन्हैया के खिलाफ है पर्याप्त सबूत, सवाल उठाने वालों को सुना एक गाना। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। बस्सी ने कहा, बीजेपी विधायक ओपी शर्मा के खिलाफ मारपीट पर की जा रही है निष्पक्ष जांच। पटियाला कोर्ट के बाहर छात्रों को पीटने वाले बीजेपी विधायक का दावा, जवाबी हमले में की थी पिटाई, कहा बंदूक होती तो गोली मार देता। दिल्ली पुलिस से जेएनयू में हुई घटना की तैयार की रिपोर्ट, सूत्रों के मुताबिक 9 फरवरी को उमर खालिद की अगुवाई में 80 से 100 छात्रों के जुटने का दावा। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी ने जेएनयू विवाद पर कार्यक्रम का किया आयोजन, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी समेत तमाम दिग्गज जुटे, मंच पर दिखे ब्रेक इंडिया और बिल्ड इंडिया के पोस्टर। जेएनयू में देशद्रोही नारेबाजी पर करने वालों की दिल्ली पुलिस ने तेज की तलाश, सूत्रों के मुताबिक यूपी महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने करीब 11 लोगों के बताए नाम, उन्हीं की तलाश में की गई छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सदन में उठाएगी जेएनयू में हुई देश विरोधी नारेबाजी का मुद्दा। सूत्रों का कहना है कि कन्हैया पर लगे देशद्रोह के आरोपों पर गृह मंत्रालय में असमंजस, खबर है कि इसे दिल्ली पुलिस के कुछ उत्साही पुलिसकर्मियों की जल्दबाजी माना जा रहा है। पुलिस पूछताछ में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार का आरोपों से इनकार, सूत्रों के मुताबिक कन्हैया ने कहा नहीं लगाए देश विरोधी नारे। कन्हैया ने कहा सिर्फ एबीवीपी संघ और मोदी सरकार पर की नारेबाजी, रिपोर्ट में कन्हैया अनिर्बान भट्टाचार्य उमर खालिद और आशुतोष के देश विरोधी नारेबाजी का जिक्र। अब पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में गूंजे देश विरोधी नारे, जुलूस निकालकर छात्रों का विरोध, गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। जादवपुर विश्वविद्यालय में दक्षिणी कोलकाता तक निकाली गई मशाल रैली, लेफ्ट संघ के छात्रों ने लिया मार्च में हिस्सा। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में जिक्र 9 फरवरी को जेएनयू के साथ 18 विश्वविद्यालयों में अफजल के पक्ष में कार्यक्रम की थी तैयारी। उमर खालिद ही करा रहा था सभी आयोजन, अपने साथियों को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा था। जेएनयू मुद्दों पर बीजेपी देशभर में करेगी स्वाभिमान रैली, 18, 19, 20 फरवरी को रैली की तैयारी।
जेएनयू विवाद का दिल्ली के मुनिरका इलाके में मकान मालिकों पर दिखा असर, कहा जेएनयू के छात्रों को कमरा देने से पहले करनी होगी कड़ी पड़ताल। कोची में भी जेएनयू विवाद ने पसारा पैर, ऑल इंडिया लॉयर यूनियन ने निकाला कैंडल मार्च। अपनी फिल्म फैन के प्रमोशन करने हंसराज कॉलेज पहुंचे शाहरुख को करना पड़ा विरोध का सामना, गेट पर कुछ लोगों ने वापस जाओ के नारे लगाए। हंसराज कॉलेज में शाहरुख खान के कार्यक्रम में के मद्देनजर बड़ी तादाद में पुलिस बल था तैनात, भीड़ के बीच हुई नारेबाजी। शाहरुख के हंसराज कॉलेज से किया था ग्रेजुएशन, अभी तक डिग्री लेने की नहीं मिली है की फुर्सत, कल दी गई डिग्री। अरुणाचल प्रदेश को लेकर कांग्रेस को झटका, यथास्थिति बनाए रखने की कांग्रेस की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज, राष्ट्रपति से मिले कांग्रेस नेता, मामले में हस्तक्षेप की मांग। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन में देरी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का तीखा हमला, कहा बीजेपी और पीडीपी की वजह से राज्य में राजनीतिक संकट, दोनों में एक भरोसे की कमी। निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद, देश विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों का किया समर्थन, श्रीनगर में निकाली रैली। जेएनयू विवाद में शत्रुघ्न सिन्हा ने लेफ्ट नेताओं के सुर में सुर मिलाया, ट्वीट में लिखा भाषण कन्हैया का, गिरफ्तार कन्हैया का भाषण नहीं था आपत्तिजनक, तुरंत हो रिहाई। जेएनयू विवाद पर बोले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, देश विरोधी नारेबाजी नहीं होगी बर्दाश्त। जेएनयू विवाद पर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, निर्दोषों को का उत्पीड़न रोकने पर बीजेपी विधायक ओपी शर्मा पर कार्रवाई की मांग। राहुल गांधी ने कांग्रेस के तमाम जिला अध्यक्षों से की मुलाकात, शहरी इलाकों में पार्टी और संगठन की मजबूती पर की चर्चा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट के फैसलों की दी जानकारी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आयुष मंत्रालय के बीच हुआ समझौता, योग आयुर्वेद के साथ स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम भारतीय पद्धतियों पर चर्चा, अंतर्राष्ट्रीय मानक पर स्थापित करने का फैसला। कटनी सिंगरौली रेलवे लाइन को मिली मंजूरी, 5 साल में तैयार होगा प्रोजेक्ट, 2084 करोड़ का खर्च। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में महिला वन रक्षक की भर्ती में सामने आई बड़ी लापरवाही, पुरुषों ने किया शारीरिक परीक्षण। हाथरस में कैंटर और स्विफ्ट में टक्कर, एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल। ओडिशा के राउरकेला से सिमी के 4 संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार, कई हथियार बरामद, 3 घंटे चली मुठभेड़। उत्तर प्रदेश के मथुरा में महिला ने ससुराल पक्ष के लोगों पर रेप की कोशिश का लगाया आरोप, कहा दहेज न देने पर वारदात को अंजाम दिया। बिहार के मोतिहारी में एक महिला का आरोप, पति के अवैध संबंध का विरोध करने पर एचआईवी पॉजिटिव मरीज का चढ़ाया खून। बुलंदशहर में बीएसपी नेता की सभा में लगे ठुमके, अहमदगढ़ इलाके में था आयोजन। पटना के बटाला में एटीएम लूट की कोशिश करना, एक पूर्व सैनिक गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हरियाणा में जाट आरक्षण के समर्थन को सीएम खट्टर ने बातचीत का दिया न्यौता, प्रतिनिधिमंडल ने कहा बिना ठोस वादे के खत्म नहीं होगा आंदोलन। मेरठ मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने की हड़ताल, साथी डॉक्टर संजीत की मौत का उठाया मुद्दा, डॉक्टर तुंगवीर आर्या पर लापरवाही का आरोप। आज पटने पर डॉक्टर तुंगवीर आर्या के पास इलाज के लिए पहुंचे थे डॉक्टर संजीत, आरोप के मुताबिक इलाज में देरी से तोड़ा कदम। ओडिशा के बालासोर में अभिनेत्री जोशी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अभिनेता राजा पटनायक को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप, राजा ने 7 फरवरी को की थी खुदकुशी। राजस्थान के भरतपुर में एक शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से रेप का लगा आरोप। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में बेकाबू कार नहर में गिरी, हादसे में ड्राइवर की मौत। मुंबई के कल्याण में 8वीं की छात्रा के साथ गैंग रेप, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जुडिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की छत गिरी, हादसे में 35 मजदूर जख्मी, 8 की हालत नाजुक। बिजनौर में सिलेंडर फटने से ढह गई आतिशबाजी की दुकान, 5 की मौत, 3 जख्मी, 4 के दबे होने की खबर। यूपी के बलिया में 4 दिन से गायब 10 साल की मासूम बच्ची का शव खेतों से बरामद, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
राजस्थान के उदयपुर में एक ट्रक से विस्फोटक की बड़ी खेप बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस ने ट्रक से अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पकड़ा। पुलिस ने विस्फोटक के साथ 270 कट्टे भी किए जब्त। ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने नवजात बच्चों के तस्करों के गिरोह का किया भंडाफोड़। गिरोह में 3 महिला शामिल। मेरठ में एक नामचीन स्कूल की 6ठी क्लास की छात्रा रहस्यमय तरीके से गायब। पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर जंगल में आग लगने से करीब 50 एकड़ जंगल जलकर खाक। गुजरात के सूरत में एक प्रिंटिंग मिल में लगी भीषण आग, करोड़ों का माल जलकर हुआ खाक। मध्य प्रदेश के इंदौर में क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर प्रेमी जोड़े से उगाही का मामला आया सामने। शिकायत के बाद दोनों आरोपी गिरफ्तार। सासाराम में शराबबंदी को लेकर महिलाओं ने निकाला मोर्चा। भट्टियों को तोड़ा, कर्मचारियों को पीटा। जमशेदपुर में मैरीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र धरने पर बैठे। इंस्टीट्यूट ने फीस मसले पर रोकी टॉपर की मार्कशीट। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में कर्मचारियों की 1 महीने से हड़ताल। जिला प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप। फरुखाबाद में पंचाल घाट पर हजारों की संख्या में जुटे भक्त, निकाली शोभा यात्रा। रिंगबेल्स कंपनी ने 251 रुपए में पेश किया स्मार्टफोन। फोन में सेल्फी समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध, मेक इन इंडिया का दावा। देवघर में 6 जिलों के एसपी और सुरक्षा बल कमांडेंट की बैठक। उग्रवाद और आतंकवाद पर अंकुश का मुद्दा। मुंबई में फिल्म अलीगढ़ का प्रमोशन। अनुपम खेर, मनोज वाजपेयी समेत कई सितारे जुटे। झारखंड के खूंटी में कांची पुल से 20 फीट नीचे गिरा बेकाबू ट्रक। देर तक ट्रक में फंसा रहा ड्राइवर, बाद में लोगों ने निकाला। हालत फिलीपींस में सामने आई एक फ्लाईओवर से दर्दनाक हादसे की तस्वीर। सामने से आ रही मोटरसाइकिल को रॉन्ग साइड से आ रही गाड़ी ने मार टक्कर। बैगियो सिटी में एक फ्लाईओवर पर हुआ हादसा। सामने से हुई टक्कर के बाद गाड़ी के ऊपर से उछलकर नीचे गिरा बाइक सवार। जर्मनी के लिए के ब्रेमेन में इस्लामिक कल्चर सेंटर पर पुलिस का छापा। 12 सदस्यों के आईएसआई से जुड़े होने का शक। युगांडा में राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार का अंतिम दौर। विपक्ष ने निष्पक्ष चुनाव कराने का बनाया दबाव। मेक्सिको में पोप का जोरदार स्वागत। पोप ने हिंसा, भ्रष्टाचार और ड्रग के बढ़ते कारोबार का उठाया मुद्दा, किया विरोध। यूक्रेन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग। विपक्ष ने 150 सांसदों से कराया हस्ताक्षर। न्यूयॉर्क में डॉग शो का आयोजन। शो से पहले डॉग का क्या क्या साज श्रृंगार। जेएनयू विवाद हर घंटे बड़ा होता जा रहा है और अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने पूरे विवाद में केंद्र पर निशाना साधा है और कहा है कि हर विश्वविद्यालय में आरएसएस अपने लोगों को वीसी बना रही है और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की।